नमस्कार, कैसे हैं आप। शरद पवार को भारतीय राजनीति का सबसे शातिर खिलाड़ी माना जाता है, लेकिन पवार जब पटना पहुंचे तो उन्हें वहां शातिरों की टोली दिखाई दी। वहां उन्हें लालू यादव का वो षड्यंत्र दिखाई दिया जब लालू यादव ने नीतीश कुमार का ही कांड करते हुए राहुल गांधी को दुल्हा बनाने की बात कर दी। पवार को समझ में आ गया कि यहां एक से एक खिलाड़ी हैं जो मुझ पर भी भारी पड़ रहे हैं। पवार ने देखा केजरी वहां आया और भाग लिया। केजरी दरअसल महफिल लूट लेना चाहता था कि टेलीविजन चैनलों पे खबर ये बने कि केजरी पटना की बैठक से भाग गए। केजरी का प्रस्ताव था कि अध्यादेश जो है, दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का जो खेल है, वो कमाई का धंधा, उसी के पास होना चाहिए। कांग्रेस इस पर तैयार नहीं हुई तो केजरी भाग निकले। नीतीश कुमार मुंगेरीलाल का सपना देख रहे थे, उस सपने पर उनके अपने ने ही सेंध मार दिया। पटना के इस बैठक के बाद शरद पवार भांप गए कि इन लुटेरों से, इन चिरकुटों से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसी विपक्षी एका के कोई मायने नहीं है। तो क्या पवार ने वहां की सूरत हाल को भांपने के बाद एक बड़ा फैसला लिया, और ये फैसला तब जब प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से लौटते ही हुंकार भर दी और कह दिया कि पटना में जो लोग थे उनकी गारंटी एक ही है, 20 लाख करोड़ की गारंटी। फिर उन्होंने ताल ठोक करके कहा कि मेरी भी एक गारंटी है, हर किसी को जेल भेजूंगा। और ये तेवर देख क्या पवार कांप गए। करना है क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा? देश स्वीकार करेगा? लेकिन दोस्तों, मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं, आपसे साथ काम करते करते आपने मुझे यहां पहुंचाया है, तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दो। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है हर घोटाले बाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक्शन से बचने का ही है। जी, प्रधानमंत्री के इस तेवर के बाद वो यहीं नहीं रुके। पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शरद पवार का भी नाम लिया। पवार कुनबा, लालू कुनबा, गांधी कुनबा, करुणानिधि कुनबा, एक एक कुनबे का नाम गिनाते हुए उन्होंने इस देश को भरोसा दिलाया कि किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो क्या पवार इसी से डर गए? पटना से लौटते ही पवार पस्त हो गए और त्राहिमाम मोदी के भाषण को सुनकर करने लगे। शरद पवार को यह एहसास हो गया कि ये मोदी अब उसे छोड़ने वाला नहीं है, जिसने कभी उसे राजनीतिक गुरु कहा। पवार को मोदी के इस तेवर में क्या दिखने लगा?
दरअसल शरद पवार मोदी के इस तेवर से भांप गए कि ये मोदी अब उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। मोदी पवार के उस शातिराना खेल का भी बदला लेंगे जो उन्होंने नवंबर 2019 में किया था, जब महाराष्ट्र में सरकार तो बीजेपी और शिवसेना की बन रही थी। चुनाव पूर्व गठबंधन उन दोनों का था, लेकिन बाजी पवार ने मार ली। पवार ने खुद दिखाया कि वो भारतीय राजनीति के आज भी सबसे बड़े षड्यंत्रकारी हैं। जिस पवार की छवि ऐसी रही कि इस पवार ने अपने राजनीतिक गुरु के साथ दागा किया, जिस पवार के साथ ये माना जाता रहा कि उन्होंने वसंत दादा पाटिल को धोखा दिया और 38 साल की अवस्था में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए, उस पवार को यह लगा कि अब उसका कांड होने वाला है। पवार के बारे में अक्सर कहा जाता है कि भारतीय राजनीति में इससे शातिर, इससे षड्यंत्रकारी कोई चेहरा नहीं, लेकिन फिर भी इस पवार का मोदी सम्मान करते थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस दिन भी ही तय कर लिया कि इस पवार का कुछ करना है, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। तो पटना के बाद प्राइम मिनिस्टर के तेवर को देख क्या शरद पवार कांप गए? तो क्या शरद पवार ने इसी षड्यंत्र के तहत अपने भतीजे अजीत पवार, अपने सबसे भरोसेमंद प्रफुल्ल पटेल के साथ साथ पूरे कुनबे को बाहर कर दिया? पवार के खेमे के वो तमाम लोग, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हों, छगन भुजबल हों, इन सबका शरद अजीत पवार के साथ बीजेपी की अगुवाई में सरकार बनाना महाराष्ट्र में लोगों को बेचैन कर रहा है। तो क्या पवार ये मान गए कि उनके जितने चेले चपाटे हैं, जो उनके भतीजे हैं, ये सब जेल जाएंगे, मोदी किसी को छोड़ेगा नहीं? इसलिए क्योंकि जिस तरह से लालू यादव के रवैये से वो नाराज हुए, उन्हें साफ समझ में आ गया कि लालू के बाद अब बारी पवार के कुनबे की होगी। तो क्या इसीलिए शरद पवार ने अपने मेढकों को बीजेपी के खेमे में भेज दिया? क्या पवार ने एक बड़ी चाल चली है? और क्या मोदी पवार की इस चाल को भी भांप गए हैं? क्या मोदी या शाह इतने कमजोर हैं कि वो समझे नहीं कि अजित पवार जैसे भ्रष्टाचारी को अपने खेमे में ले रहे हैं? शरद पवार ने सिर्फ अपनी बेटी को छोड़ करके सभी बेईमान और भ्रष्टों को बीजेपी की वॉशिंग मशीन में भेज दिया है, जहां उनकी धुलाई हो रही है। पवार की इस चाल में क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। दरअसल शरद पवार ने क्या फिर मोदी की इस मामले में एक तरह से मदद ही कर दी है? अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल जैसे भ्रष्ट नेता इस खेमे में आ गए तो क्या इन्हें सजा नहीं होगी, या फिर ये आगे भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे? क्या इन पर इन्हें इनका भागना, इनका कूदना, इनका धोखा देना भी संभव नहीं होगा? क्या यहां आकर के शरद पवार के भतीजे और उनके चेले चपाटे मोदी और शाह को धोखा दे सकते हैं? ये मोदी और शाह बेहतर जानते हैं। शरद पवार का क्या इसमें फायदा है कि बुढ़ापा उनका सुकून से कटेगा, उनकी बेटी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और उनके बेईमान भ्रष्ट भतीजे भी बचे रह जाएंगे? तो फिर मोदी ऐसा क्यों कर रहे हैं? दरअसल मोदी का एजेंडा पूरा क्लियर है कि राज्यसभा में उन्हें बहुमत चाहिए ताकि वो जो जो चाहते हैं वो बिल पास हो सके, सुप्रीम कोर्ट के साथ भी सख्ती के साथ पेश आया जा सके, सुप्रीम कोर्ट मनमानी ना करे, ये मोदी का रवैया है। लेकिन इस पूरे प्रकरण को समझने के बाद पवार के लिए यह भी समझना होगा कि ये शातिर पवार भले ही भारतीय राजनीति का कुरूप चेहरा हो, लेकिन इसी पवार ने सोनिया गांधी को भारत के प्रधानमंत्री बनने से रोका था। 1999 में पवार फिर से कांग्रेस से बाहर हो गए। पवार इससे पहले इंदिरा गांधी को धोखा दे चुके थे 1977 में, राजीव गांधी उन्हें लेकर के आए। सोनिया गांधी की जब राजनीति छोड़ रही थी तो पवार को उम्मीद था कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे अब, लेकिन सोनिया का जब मन प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ललचाने लगा तो पवार ने बड़ा खेल कर दिया। पवार के लाख पाप में भी एक बड़ा पुण्य यह है कि उनके कारण इस देश में एक विदेशी महिला प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकी। पवार ने भले ही अपने स्वार्थ में काम किया, लेकिन देश उसके लिए इस आदमी का ऋणी है
जिसने पूरे महाराष्ट्र में जातिवाद का नशा चलाया, जिसने पूरे मराठा कल्चर को एक तरह से बहुत हद तक चोटिल किया, जिसने बेईमानी और लूट का धंधा किया, मोदी उस पर प्रहार कर रहे हैं। लेकिन लाख बुराइयों के बाद भी पवार की कुछ नेकी है। पवार ने ये सचमुच ये शरारती खेल किया है, उसमें भी भला ये है कि महाराष्ट्र जैसे बड़ी राज्य जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा है, उस राज्य में यदि राज्यसभा की ताकत बढ़ती है तो संसद में सरकार कई बिल पास करा लेगी जो राष्ट्रहित में है। पवार भले ही डाल डाल चल रहे हों, मोदी बात बात चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।